गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक जो है SPOC है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल चल रहा था, जिसमें हमने इनका फुल फॉर्म, इनका अर्थ, इनका वाक्य में प्रयोग, इनकी वाक्य में स्थिति, इनकी विशेषता, उनके बारे में पिछले वीडियो दो वीडियो लेक्चर में जो है वो समझा। और उसके बाद मैंने आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, जिसमें आपको इस पैटर्न के अनुसार जो है वो उन एलिमेंट्स के वाक्य के तत्वों के नाम लिखने थे SPOCA के अनुसार, आपने कर दिए होंगे। उसी क्रम में आज मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंस लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें मैंने शब्दों को जंबल्ड किया है, उल्टे सीधे शब्द लिखे हैं, कुछ वाक्य मैंने मेरे मन से डाले हैं, आउट ऑफ हमारी टेक्स्ट बुक है, और कुछ जो है वो आप टेक्स्ट बुक में से मैंने डाले हैं। तो आपको इनको क्या करना है और मैं एक बार सेंटेंस जो भी मैंने जंबल वर्ड्स लिखे हैं उनको मैं पढ़ लेता हूँ, जिससे कि जो है वो आपके समझ में भी आ जाएगा कौन सा शब्द क्या है, फिर कन्फ्यूजन न रहे कि क्या लिखा है सब में। तो सबसे पहले तो करना किस प्रकार से आपको, तो वो बता देता हूँ मैं। आपको पैटर्न रखना है SBOC, ठीक है, और ये निर्देश पैटर्न होता है। आप जो वाक्य बनाते हैं साधारण वाक्य जो होता है उसमें पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है साधारण वाक्य में, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर होता है तो एक्सपी आता है, होता है तो हेल्पिंग वर्ब आता है, नहीं होता है तो नहीं आता है, उसके बाद में वर्ब मैन, इसको एम भी लिखो तो मतलब मैन वर्ब होता है, उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद जो है एड, इस प्रकार से पैटर्न होता है, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से आपको सेट करना है। SPOC के CA के अनुसार आपको समझना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एड, ठीक है। तो बाकी मैं पढ़ता हूँ, सिंग्स सी स्वीटली, स्वीटली SWEET, सिंग्स सी स्वीटली, फिर है और लेटर ही राइट्स, मॉनिटर द स्टूडेंट्स अपॉइंटेड AWPOINTED अपॉइंटेड हिम, राइट्स एट आई सम, वेयर एम क्वाइट QUIT क्वाइट आई, राम एबोल गेव His eye forgot FOGOT net, a lie never tell, a stone gone through, no you sense have। फिर आपकी किताब में से कुछ वाक्य है जो है, she was a heroine HEROINE, a blow BLOCK have, We win have tricked TRICKED, was wet SWEAT sweat, wet with his best, played he hockey, don't I his snow world, were his classmates ELS METES classmates, AMAJDD, telling I the truth am, me took uncle to the head, say I not did end। ये जो एक्सरसाइज आप एक आपकी किताब में से है और एक जो है
मैंने मन से दी है, तो इसको वैसे तो आपको मैंने शुरुआत में जो एस बी ओ सी ए समझाया उसमें आपके समझ में आ गया कि किसका स्थान कहाँ पर होता है, कौन सी चीज़ पहले आती है। फिर भी एक बार मैं और जो है वो स्पष्ट कर देता हूँ आपको, ताकि जो है वो आपकी क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे वाले चैप्टर जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो साधारण वाक्य जब हम करते हैं सेंटेंस वाला चैप्टर, हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में शुरुआत में किया था, पांच प्रकार के सेंटेंस बताए थे, जिसमें असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव बताए थे, इंटरोगेटिव बताए थे, एक्सक्लेमेटरी बताए थे, ऑप्टेटिव बताए थे, इम्परेटिव बताए थे, जो सबका अलग अलग पैटर्न था। तो यहाँ पर जो आपके सामने है वो सब असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, जिसका पैटर्न जो आपके सामने है एस बी ओ सी ए, ये क्रम होता है सेंटेंस में इन एलिमेंट्स का, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ध्यान रखना, सबसे पहले एस आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब आप समझते हो डू डज डिड इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड विल सेल, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है। तो अगर ये है वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद में वो आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वो आएगा। अगर इनमें से नहीं है कोई तो सब्जेक्ट के बाद में सीधा वर्ब आएगा, मैन वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद सीधा वी आएगा, मैन वर्ब, क्रिया आएगी सब्जेक्ट के बाद में, और उसके बाद में वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको जो है वो अगर कॉम्प्लीमेंट है, जरूरी नहीं कि सभी में कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट जिसमें है उसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा, और उसके बाद में एडवर्बियल अगर किसी में है तो आएगा, एडवर्बियल नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसका जरूरी नहीं कि सभी का पैटर्न एस बी ओ सी ए ही हो, किसी का पैटर्न होगा एस बी ओ, किसी का एस बी सी, किसी का पूरा भी होगा एस बी ओ सी ए भी। तो किसका पैटर्न किस हिसाब से है वो आपको उस हिसाब से जमा करके लिखना है, पहचान करनी है आपको कि इसमें इसका पैटर्न ये है तो इस हिसाब से होगा सेट, उसके अनुसार आपको सेट करके लिखना है। एस बी ओ सी ए वगैरह ये नाम आपको नहीं लिखना, केवल वाक्य को जमाना है। और एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आता है, किसी का नाम, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपको मालूम है। और यही शब्द जो है वो शुरुआत में आएंगे, वाक्य के स्टार्ट में, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य के स्टार्ट में आएंगे। ये नहीं है तो इनकी जगह प्रयोग होने वाले दूसरे शब्द आपको मालूम है, प्रोनाउन कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ही सी इट दे यू आई वी, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये जो है वो आएंगे, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आएंगे वाक्य की शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया, मैंने अभी समझाया आपको सहायक क्रिया आएगी वाक्य में, जो सहायक क्रिया दी हुई है, सहायक क्रिया कौन सी होती है आपको मैंने बता दिया, पहले भी बताया था या ग्रंथों में भी बताया मैंने। तो अगर सहायक क्रिया है तो वो सहायक क्रिया आएगी
संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जो आपने स्टार्ट में लिया है उसके बाद में अगर सहायक क्रिया नहीं है तो सीधा वर्ब रखो। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब क्रिया, काम, जो भी काम हो रहा है उस वर्ब को लिखो। और वर्ब रखने के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में वही जो आपके सब्जेक्ट लेने के बाद में वाक्य में जो पीछे रहता है नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। मतलब वाक्य में दो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, एक आप अगर सब्जेक्ट की जगह पर लेते हो तो जो पीछे जो रहता है उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। और ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब निर्जीव होते हैं, ठीक है। सजीव ऑब्जेक्ट को जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो शुरुआत में लिया जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो पीछे रखा जाता है। तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद जो है वो कम्प्लीमेंट आएगा, और कम्प्लीमेंट में भी नाउन आएगा, इसमें नाउन आएगा, कम्प्लीमेंट में नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा, कम्प्लीमेंट में नाउन आएगा, संज्ञा आएगी कम्प्लीमेंट में। और जहाँ कम्प्लीमेंट होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट नहीं होगा कम्प्लीमेंट की जगह कम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस में, तो वो पैटर्न होगा SVC। और फिर लास्ट में जो है अगर क्रिया विशेषण एडवर्बियल जो है वो स्थान से संबंधित है, समय से संबंधित है, तो वो जो है वाक्य के अंत में आएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें, किस सेंटेंस में क्या पैटर्न बनेगा, किस सेंटेंस में कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा क्रम होगा, ये तो आपको पहचान करनी है, आपको जमाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सब्जेक्ट सभी में होगा, वर्ब सभी में होगी, SV का तो आपको SV तो सभी में लिखना है, सभी में होगा आपको पहचान करके रखना भी है शुरुआत में। फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, जरूरी नहीं है कि सभी में ऑब्जेक्ट हो, किसी में कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, किसी में ऑब्जेक्ट भी होगा, किसी में दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन संभावना दोनों होने की कम होती है, ठीक है। और फिर एडवर्ब भी होगी किसी में नहीं भी होगी, तो आप पहचान करके प्रैक्टिस करें, उनको बनाएं कॉपी में, पहले सेंटेंस लिखें, फिर इसको जमा करके लिखें, पहले ये वाला सेंटेंस उठा करके लिखें, फिर इसको जमा करके लिखें, और फिर मुझे आप सेंड करें, जिससे कि मैं देख करके आपको बता सकूँ कि जो है वो आपकी गलतियाँ कहाँ पर है, क्या समझ में नहीं आया, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, ये मुझे मालूम होगा। तो दोनों प्रकार के दोनों तरफ जो एक्सरसाइज किए उनको करें, और इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया तरीके से जो है अपनी कॉपी में करें, प्रैक्टिस करें। एक बार मैंने पहले आपको बताया था कि देखो, अगर आप ये समझते हो कि जो है गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, कोई मेरे गलती कैसे हो गई, गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप नहीं सीख पाओगे। गलतियाँ ज़रूरी हैं, सीखने की प्रक्रिया जब होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे सरल हो या कठिन, गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक मानी जाती है, ज़रूरी है और होती है। गलतियाँ जब होती है उसके बाद जब उसमें सुधार करवाया जाता है तो वो चीज़ परमानेंट हो जाती है और आप उस चीज़ को सीख जाते हो। इसलिए गलतियों से घबराने की ज़रूरी नहीं है, डरना, गलतियों से जो है वो घबराना नहीं है, ठीक है। गलतियों से घबराए नहीं, गलतियाँ हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करें, सभी वाक्यों को करने का प्रयास करें, चाहे गलतियाँ सभी में हो, लेकिन उसके बाद जब सुधार करवाया जाएगा तो आपके ये क्लियर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से काम करें। और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।